नमस्कार, मैं शाइस्ता खातून प्राथमिक अध्यापिका वायुसेना अवस्थान सरसावा आगरा संभाग से कक्षा 5 पाठ 6 चिट्ठी के सफर से उपविषय वर्तनी लेकर प्रस्तुत हूँ। इस पाठ में मैंने जिस दक्षता की ओर ध्यान दिया है वह है वर्तनी और उच्चारण। मेरा उद्देश्य है कि छात्रों को शुद्ध वर्तनी और उच्चारण का ज्ञान प्राप्त हो। अपनी 10-12 साल की जिंदगी में तुमने कुछ पत्र तो लिखे ही होंगे। वे पत्र अपने सही पते और समय पर किस तरह पहुँचे होंगे यह बहुत सी बातों पर निर्भर करता है, जैसे कि चिट्ठी किस स्थान से किस स्थान पर भेजी जा रही है, संदेश पहुँचाने की कितनी जल्दी है, तुमने पूरा और ठीक पता लिखा है कि नहीं, तुमने उस पर डाक टिकट लगाया है कि नहीं आदि। अब प्रश्न यह उठते हैं कि आखिर चिट्ठी पर डाक टिकट लगाया ही क्यों जाए, पूरे और ठीक पते से क्या मतलब है, ज़रूरत पड़ने पर संदेश को जल्दी कैसे पहुंचाया जाए, स्थान बदलने से चिट्ठी के पहुंचने पर क्या असर पड़ता है। इनमें से कुछ सवालों के जवाब शायद तुम्हारे पास हों, खासकर तुम में से उनके पास जो डाक टिकटें इकट्ठा करने का शौक रखते हों। इस गद्यांश में पढ़े कुछ शब्दों की ओर मैं तुम्हारा ध्यान आकर्षित करना चाहूँगी। वे हैं निर्भर, जिंदगी, ज़रूरत। इनके वर्तनी की ओर ध्यान दीजिए। निर्भर में बह के ऊपर एक मात्रा है, यह कौन सी है और क्यों है, तथा जिंदगी में ज के नीचे एक बिंदु है, यह हमने क्यों लगाया है, इसका क्या लाभ है। पहले हम बात करते हैं निर्भर की। निर्भर, निर्भर में नि के बाद आधा र, फिर भ और फिर पूरा र है। इस शब्द की वर्तनी में र आधा है और इस र को भ के ऊपर लगाया जाता है। व्याकरण की भाषा में आधे र को रेफ कहते हैं। इसी तरह र रेफ की मात्रा से बने कुछ अन्य शब्द हैं सूर्य, स बड़े उ की मात्रा, आधा र और य सूर्य, य के ऊपर लगी मात्रा र रेफ की मात्रा है। दूसरे शब्द हैं नर्स, पार्क, सर्प। यहाँ ध्यान देने योग्य बात यह है कि जिस शब्द से पहले आधा र आ रहा है उस शब्द के ऊपर ही र रेफ लगाया जाता है। जैसे सूर्य में स के बाद र आ रहा है, या ये कहें कि य से पहले आधा र आया है जिसे य के ऊपर लगाया गया है। पाठ में आए र रेफ वाले शब्द निम्न हैं: निर्भर, वर्धा, कर्मचारियों, फर्क, सिर्फ, दुर्गम, मनी ऑर्डर, बधाई कार्ड, आश्चर्य। अब हम बात करेंगे इस गद्यांश में आए दूसरे शब्द जिंदगी की। जिंदगी शब्द में ज के नीचे जो बिंदी लगी है उसे नुक्ता कहते हैं। नुक्ता एक आगत ध्वनि है। जिंदगी की वर्तनी और इसके उच्चारण को समझने के लिए हमें पहले यह जानना होगा कि आगत ध्वनियाँ क्या होती हैं। आगत से अभिप्राय है आई हुई और आगत ध्वनियों से अभिप्राय है आई हुई ध्वनियाँ। हिंदी में बहुत से शब्द ऐसे मिलते हैं जिन्हें पढ़कर हमें पता चलता है कि यह शब्द हिंदी के नहीं हैं, अभी तो बाहर से आए हुए हैं, अर्थात दूसरी भाषाओं के हैं। इन शब्दों में यह नुक्ता न केवल वर्तनी के लिए महत्वपूर्ण है अपितु उच्चारण की दृष्टि से भी इसका विशेष महत्व है। जिंदगी, जिंदगी, इन दोनों शब्दों के उच्चारण में आपको फर्क महसूस हो रहा होगा। मैं दोबारा बोलती हूँ, जिंदगी, जिंदगी। उच्चारण के साथ साथ नुक्ते के कारण शब्दों के अर्थ में भी अंतर आ जाता है। इसका उदाहरण है राज, राज। दोनों शब्दों के अर्थ भिन्न हैं। राज कहीं पर राज्य करना, राज कोई छुपी हुई बात। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि विदेशी मूल के शब्दों के सही उच्चारण और वर्तनी के लिए इसमें कुछ विशेष ध्वनियों का प्रयोग करते हैं जिन्हें आगत ध्वनियाँ कहते हैं। आगत ध्वनियों में से हम आज नुक्ते के बारे में बात करेंगे। इसमें इसके कुछ शब्द आपके पाठ चिट्ठी के सफर में भी आए हुए हैं, जैसे
जिंदगी, जरूरत, जरा, जाहिर आदि। नुक्ता सिर्फ जा के नीचे ही नहीं लगता है, फ के नीचे भी लगता है, क के ख के नीचे। शब्दों के अनुसार हम इसे प्रयोग करते हैं। हिंदी में अंग्रेजी तथा उर्दू भाषा के शब्द निरंतर प्रवेश कर रहे हैं, किंतु उनका सही उच्चारण करने के लिए लिपि चिन्ह नहीं है, इसलिए उनको शुद्ध रूप में लिखने के लिए हिंदी के व्यंजनों के नीचे एक बिंदु लगाया जाता है, जिसे नुक्ता कहते हैं। आइए देखें यह नुक्ता कैसे लगाया जाता है। हमारे परंपरागत वर्ण हैं क, ख, ग, ज, फ। इनके नीचे नुक्ता लगाकर हम अंग्रेजी उर्दू के नए शब्द बना सकते हैं। हमारे परंपरागत वर्ण हैं क, ख, ग, ज, फ आदि। इनके नीचे नुक्ता लगाने के बाद हम हिंदी और अंग्रेजी के उर्दू के नए शब्द बना सकते हैं। जैसे क के नीचे नुक्ता क, इससे बनेगा कमर। ख के नीचे नुक्ता ख, खास। ग के नीचे नुक्ता ग, ज के नीचे ज, फ के नीचे फ, फौरन, फौज। ऐसे शब्द इनसे बन सकते हैं। नुक्ता लगाकर बने शब्द के उदाहरण इस प्रकार हैं, जैसे ग से गुल, बाग, ख से खसरा, खुदा। खुदा अगर नुक्ते के साथ लिखा जाता है तो उसका अर्थ होता है भगवान, और वैसे जमीन खोदना खुदा हुआ। क कमर, फ फतवा, तूफान, फकीर, सिर्फ, इस्तीफा, फरमान, फ्रेंच। ज से रिलीज, ब्लेजर। यह तो केवल कुछ उदाहरण हैं, इनके अलावा बहुत सारे ऐसे शब्द हैं जो आप नुक्ता लगाकर बना सकते हैं। ज तथा फ में नुक्ता लगाना उच्चारण तथा वर्तनी दोनों के लिए ही आवश्यक है। ज तथा फ में जब नुक्ता लगता है तो उर्दू और अंग्रेजी दोनों भाषाओं के शब्द बन जाते हैं। ज से युक्त उर्दू के शब्द हैं कर्ज, ताज़ा, जिंदगी, जिल्लत, जमानत। आपने ये शब्द कई बार सुने होंगे, पढ़े होंगे, लेकिन इन्हें सुनने और पढ़ने के बाद आपने शायद इस और ध्यान दिया हो कि इनकी उच्चारण में फ़र्क है। तो ये फ़र्क या ये अंतर क्यों है, ये आज हमने इस पाठ में आपके सामने स्पष्ट किया। आपके जो पाठ हमने पढ़ा है चिट्ठी का सफ़र, उसमें बहुत सारे नुक्ते वाले शब्द आए हैं, जिनमें से कुछ मैं यहाँ लिख रही हूँ। जिंदगी, ज़रूरत, लिफाफों, ज़रा, ज़ाहिर, टेलीफोन, चीज़ों, हवाई जहाज़, सफ़र, सिर्फ। और भी ऐसे बहुत से शब्द हैं जो नुक्ता लगाकर बनाए जा सकते हैं। इस पाठ की पुनरावृत्ति करते हुए मैं यहाँ दोबारा बता रही हूँ कि इस वीडियो में हमने दो मात्राएं सीखी। पहली है र रेफ की मात्रा और दूसरी है नुक्ता एक आगत ध्वनि। र रेफ की मात्रा, व्याकरण की भाषा में आधे र को रेफ कहते हैं। वर्धा, नर्म, दुर्गम, नर्स, सर्प, कर्मचारियों, ऐसे बहुत सारे शब्द हैं जो इससे मिलकर बनते हैं। यह कुछ इस प्रकार से लगाई जाती है व, आधर, धा। तो शब्द लिखते हुए हम लिखेंगे व, ध, और ध के ऊपर र रेफ की मात्रा। उदाहरण इसमें मैंने दो दिए हैं, वर्धा, नर्म और दुर्गम का। इसके बाद है नुक्ता। विभिन्न भाषाओं के शब्दों को शुद्ध रूप में लिखने के लिए हिंदी के व्यंजनों के नीचे एक बिंदु लगाया जाता है, जिसे नुक्ता कहते हैं, जिससे उन शब्दों के उच्चारण और वर्तनी सही हो जाती है। इसके उदाहरण हैं गुल, बाग, खसरा, खुदा, सिर्फ, इस्तीफा, फरमान, फ्रेंच, रिलीज, ब्लेजर। धन्यवाद। उम्मीद है अब आप इस प्रकार के शब्दों की वर्तनी एवं उच्चारण में गलती नहीं करेंगे। धन्यवाद।